अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, शाम के 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत चुस बे साहिल अमीन तुहंदिस खिदमतस मंज हाजिर। तो खबरन हुन तफसील जानने ब्रो आख नजर अजचन खास खास खबरन पेट। लेबनानस मंज इसराइली बर्बरियत जारी, इसराइली स्ट्राइक के दौरान कैया मासूम लोग आज तक शहीद। जनूबी कशीर मंज पुलिस तरफ मंशियात मुखालिफ मुहिम जारी, बेजबेड इलाकस मंज त्रे गैर रियासती शख्स मंशियात हेत गिरफ्तार। मेंबर पार्लियामेंट वर्मुल इंजीनियर रशीद सुंद एल जी मनोज सिन्हा सूत मुलाकात, कईन मामलन हवाले कथन दल, मुलाकात खुशगवार माहौल मंज अंद इंजीनियर अब्दुल रशीद। तो दुरुस्त मुल्क सान आवाज जम्मू कशीर मंज दसहरा मनावने, शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर मंज आव शाम पत रावण सुंद पुतल जाल। नाजरीन पेश खबरन हुन तफसील। इसराइली बर्बरियत तो जुलम ये पत्मे कैया काल पे फलस्तीनस मंज जारी छु, तो आज तम कैया मौसूम तो बेगुना लूक शहीद करना आई। तत लेबनानस मंज इसराइल तरफ बर्बरियत मुजाहिर करना आमुत, यद दौरान कैया लूक शहीद सपद। कश्मीरी सहाफी सबरोज रूहुल्ला रिजवी वनकन लेबनानस मंज मौजूद, तो अमि सूरत हाल अकासी ये सह मुख्तलिफ जबान मंज लूकन तम वातनावान। तत बहरूत लेबनानस मंज इसराइली बर्बरियत सूरत हाल कशर जबान मंज लूकन तम वातनावन तम कोशिश करम, तो पेश तिहद तरफ तैयार करना आमुत ये कशर रिपोर्ट। बसी रिपोर्ट गोदम लटे कशर जबानस मंज पन्न कशर अजीजन पेश करान। वनस बैरूतस मंज लेबनान बैरूत, तो यह सू जस रात रात इसराइलन अटैक कोर्मुत बहुत तुचु बमबार्डमेंट ओसमुत यह कूत पावरफुल ओसमुत युन तम कम अज कम जो नफर शहीद गम अर्दह नफर तक जख्मी सपदम इस रात इसराइलन महलस पे सेंट्रल बैरूतस मत ना बस्ता यह सिविलियन बिल्डिंग ऐसम ये ज्यादा एज नफर पे बचे अत मे शहीद सपदे, तो यह वाहियास मैं तुम इन दोहन मा जाहियों नाव वह बूजमुत जाहि साउथ साउथ बैरूतस साउथ बैरूतस कुन यानी तुम अगर साउथ कुन गु तन जाहिया मगर यह सेंट्रल बैरूतस म इसराइल ने अनाउंसमेंट कि तुम ये टारगेट किलिंग कर मगर पो ये कहें टारगेट सारी ऐसम सिविलियन, तो इसराइल ये जिनायत ये कोर्मुत लगातार जिना बे लेबनानस में तुम वो क्या सूरत हाल वोमुत कि इंग्लिश रिपोर्टिंग सर वाशर रिपोर्टिंग पन्न अजीजन, तो मे दो रिपोर्टिंग कर बस पेश बुस्ता महल उस बैरूत के सेंट्रल एरिया में ये रात ही रात सपद इसराइली अटैक ये कत्ल आम गो जो नफर आई शहीद कर अर्दह नफर आई जख्मी कर, तो यह सूरत हाल तुम वो बिल्डिंग आस पास तिम तूत नुकसान। वसलम बसी रिपोर्ट इसराइल तरफ बर्बरियत जारी, तो कैया लूक आज तम शहीद। कशर सहाफी शबरोज रूहुल्ला रिजवी मुजन कशर कशर जबान मज पन रिपोर्ट अत तैयार कोर्मुत, तुम वन लेबनानस मज मौजूद। शुक्रिया सबरोज रूहुल्ला रिजवी तुहद ये रिपोर्ट तैयार करने बाबत। जम्मू कशीर मज ये पुलिस तरफ मंशियात मुखालिफ मुहिम मजीद सख्त कर आमच, ये दौरान आज तम पुलिस बड़िस पैमानस पे कामयाबी हासिल सपज। तत जनूबी कशीर हिंदिस बिजबेड इलाकस मज पुलिस तरफ ताज कार्रवाई अमले मज अन्न आमच, ये दौरान त्रे गैर रियासती शख्स मंशियात हेत गिरफ्तार करना आई। पुलिस बयान में वन आमुत
أكس ناقص دوران چ تلاشی ہنس پٹ اک گاڑی مز کوڈین چ کیا بوتل ضبط کرنا آمت یا دوران یو پی تو دہلی سے تعلق تھون ول ترے شخص گرفتار کرنا آئے گرفتار شخصن ہی شناخت یتی مونٹی سنگھ بلند شہر اتر پردیش باردواج تو راہل چھترپور دہلی سند رنگ کرنا آئے تت معاملس حوالہ پولیس طرف کیس درج کرت مزید تحقیقات تہ شروع کرنا آمت ممبر پارلیمنٹ ورمول انجینئر عبدالرشیدن یت آز ایل جی منوج سنہا ست ملاقات کور تمو گلستان نیوز ست کات کران ونمت پتم کیچن دہن دوران یہ مسلہ لوکو طرف تم ست وتلا آئی تم مسلہ تمو ایل جی منوج سنہا بروہ کن تھمت یت زن یہ مسلہ انزرا سوال سنجید قدم تلن یین یل زن تمو ات موقع پہ وون مختلف جیلن مز وادی کشیر ہند نوجوان ہز رہائی حوالہ تیت کات کرم کچھ ہی دنوں کے اندر جموں کشمیر میں چھ سال کے بعد ایک عوامی حکومت کی تشکیل ہوگی ہمارے ساتھ ہیں عوامی اتحاد پارٹی کے سربراہ اور ممبر پارلیمنٹ نارتھ کشمیر انجینئر رشید انجینئر صاحب پہلا ریئیکشن آپ کا ابھی کچھ دیر پہلے آپ لیفٹیننٹ گورنر سے ملاقات ہوئے ہیں کیا تھا ان کے ساتھ جو آپ کی ڈیلیبریشنس اور ڈسکشنس ہوئے وہاں پہ سر ویسے تھی ممبر پارلیمنٹ تو مجھے لوگوں کے مسائل جو ہیں ان کا حل بھی نکالنا ہے لوگوں کی بات سرکار تک پہنچانی ہے چونکہ ایل جی صاحب ابھی سرکار کو ہیڈ کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ پچھلے تین دن سے بھی جیسے ہی کوڈ آف کنڈکٹ ختم ہوا میں پورا اپنے نارتھ کشمیر کے جس جس علاقے میں موقع ملا گیا جو سڑکوں کی حالت تھی جو پانی کی حالت تھی جو ہسپتالوں کی حالت تھی تو میں نے جو بھی فیڈ بیک جمع کیا تو میں نے وہ سارا مینو ان ایل جی صاحب کو ایک میمورینڈم کی صورت میں دیا اور اس کے علاوہ میں نے ایل جی صاحب سے بھی ریکویسٹ کی کہ جو موسٹ امپارٹنٹ چیزیں تھیں میں نے اسے گزارش کی کہ جو سرکاری ملازم پچھلے کچھ برسوں میں ٹرمنیٹ کیے گئے میں نے اسے استدعا کی کہ ان کے کیسوں پر نظر ثانی کی جائے اور ان کو بحال کیا جائے آپ ایک بار پھر اس کا اثر نو جائزہ لیں میں نے ان سے یہ بھی گزارش کی کہ جو جیلوں میں کشمیر میں جموں میں باہر بند ہیں جموں کشمیر کے نوجوان یا باقی ہماری ایون کچھ خواتین بھی ہیں باقی ہیں ان کی رہائی کو یقینی بنایا جائے میں نے ایل جی صاحب سے یہ کہا کہ پاسپورٹ کی ویریفیکیشن کے نام پر جو پاسپورٹ اجرا کرنے میں ڈیلے ہوتا ہے اس کا نپٹارا کیا جائے میں نے یہ بھی کہا کہ پولیس ویریفیکیشن کے نام پر جس طرح سے تھانوں کے اندر باقی جگہوں پر نہ تو لوگوں کو نوکری ملنے میں ان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں کوئی کاروبار کرنے میں مشکلات آ رہی ہیں تو اس چیز کو بند کیا جائے انہوں نے یقین دیا کہ وہ ان پر ہمدردانہ غور کریں گے اس کے علاوہ میں نے ان سے یہ بھی گزارش کی کہ اگر مرکزی سرکار تک وہ میرا یہ پیغام پہنچا دیں کہ اگر آپ لداخ کے لوگوں سے نارتھ ایسٹ کے لوگوں سے ان کے لیجیٹمیٹ رائٹس کے لیے بات کر سکتے ہیں تو جموں کشمیر کے لوگوں کو پاکستانی پراکسی یا کسی کے ایجنٹ کہہ کر حقائق سے آنکھیں چرانا اچھی بات نہیں ہے تو میں نے اپنی بات ایل جی صاحب کے پاس رکھی اور بہت بہت شکریہ عوامی اتحاد پارٹی کے سربراہ اور ممبر پارلیمنٹ بارہمولہ پارلیمنٹ کانسٹیچوئنسی انجینئر رشید مختصر گفتگو ہمارے ساتھ کر رہے تھے گلستان ٹی وی کے لیے عمران نائکو وتھ کیمرہ پرسن فردوس نجار اینڈ سمیر وانی اللہ حافظ دسہری کس موقع پہ یہ آج ملک مز کئی جائن پہ شام پت راون سن پتل زالنا آئی تت شیر کشمیر سٹیڈیم سری نگر مز تم حوالہ تقریب ہند سانز کرنا آمت یا دوران راون سن پتل زالنا آو یل زن ات موجود لوکو طرف ون آو مذہبی عقیدت سان یہ دہ منانے یوان یت زن مائے محبت تو بھائی چار پیغام بر پکن یہ ات موقع پہ یہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ ات موجود اس تت تمو ذرائع ابلاغ ست کات کران ونمت نیشنل کانفرنس پارٹی ہند نار بھائی چار رودمت یہ پارٹی روز بروہ کن تک گوڑ بران سچائی جیت جاتی خود دیکھ جھوٹ کیسے چل رہا تھا اور سچائی کیسے نیچے اٹھ رہی ان کا سبق بھی تھا یہی بھگوان رام نے بھی کہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں آپ نے خود دیکھا امن کتنا ہے میں امید کروں گا کہ ہمارے بھائی اور بہن جو یہاں سے چلے گئے تھے اس وقت کہ وہ گھر واپس آئے اور اپنے گھر کو سنبھالیں
और सियासतों को फिर से चमकाए। अखरा गया वक्त, अब से वक्त आ गया, उनको घर वापस आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए। वही पहल होगी, न सिर्फ हम कश्मीरी पंडू का सोचते हैं, हम जम्मू के लोगों का भी सोचते हैं। उनके साथ भी हमने वही अच्छा बर्ताव करना, उनको भी ये महसूस होना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत उनकी दुश्मन नहीं है, हम भारतीय हैं और हम यहाँ सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। यह है हमारा सब। इन्होंने मुझे पहली दफ़ा बुलाया है, मैं पार्लियामेंट मेंबर 5 साल से था, मुझे किसी ने नहीं बुलाया। आज जब इन्होंने मुझे याद किया मैं आ गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये अपने वालिद के ज़माने में देखा करता था, उस वक्त वो ग्राउंड दूसरा था, इकबाल ग्राउंड जो था उसमें हुआ करता था। तब हमारे हिंदू भाई भी बहुत थे जो उसमें शामिल होते थे, आज उनकी कमी महसूस होती है और अल्लाह करे कि अगले साल वो कमी दूर हो। क्यों नहीं करें, हम सबको करें, वो डोगरा हो, वो कश्मीरी हो, पंजाबी हो, जो भी यहाँ का है रहने वाला है, हमने कभी फ़र्क नहीं किया। मैंने आज तक कभी फ़र्क नहीं किया, न मेरे बाप ने किया। जब कबाली आए थे तो बचाने वाला कौन था? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये लोग भूल गए हैं। उसका क्या नारा था? शहरी कश्मीर का इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। निकले सब हिंदू मुसलमान सिख लकड़ी की बंदूकें लेके, और क्या कहते थे? हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी हैं तैयार। ये नहीं कहते थे हम मुसलमान हैं तैयार, हिंदू हैं तैयार, सिख हैं तैयार, हम सब एक थे और इंशाल्लाह हम एक रहेंगे। क्यों नहीं जाएंगे? ज़रूर जाएगी, पहले पता तो लगे किस दिन होगा, क्योंकि पहले यहाँ पे प्रेसिडेंट से रूल ख़त्म करना है, फिर उसके बाद आगे उसका शुरुआत हो जाएगी। जिस दिन हमें मालूम हो जाएगा इस दिन ये शपथ होगी, हम सब नेताओं को हमने पहले से ही दावत दी है कि हम आपको तारीख बता देंगे, उससे मेहरबानी करके तशरीफ़, ये मैं नहीं कह सकता। ये जब आएगा वो आपके सामने खड़े होंगे इसमें इंटरनेशनल कॉम्प्लेक्स में, वहाँ आप मंत्री को देंगे। विजयदशमी हंदिस मौकस पे ये वादी हंद मुख्तलिफ इलाकन मज लंगरन अहतमाम आज कर्स आमुत जवाहिर नगर श्रीनगर मज रमेश्वरी शिव मंदिर तो गुरुद्वार नजदीक मुफ्त लंगर के अहतमाम कर आमुत अकीदत मंदन बड़ी तदाद शिरकत कर्जन अत मौकस पे लूको तरफ वन आव बड़ दौ माय मोहब्बत तो भाईचार पैगाम दिवान तो अस पज अत पे अमल कर जिंदगी गुजार। नवरात नवम दह नव दह दह दिश पूजा पाठ यह करान पत् आय कर पर्व ये मज मुश्किल तो वोत वे तरह वह कह वस आमुत सॉन करा ये मैं क्या सठा वतम दह सान खुद तमें हकीकत वह गुलमस मोशा कह तथा दुर्गा भगवती नव रूप दारम नव रूपन मा आमुत मासन खाय कर रूप पोष लास्टस। यहाँ जो लंगर का इंतजाम किया गया है, पहली बात तो जो हमारे सहयोगी लोग हैं, अब इसमें किसी एक का नाम नहीं है, सर्व समाज, जैसे आप भी हो और भी लोग हैं, समूह मोहल्ले के भी हैं, सब लोगों ने एक दूसरे ने हेल्प किया और उसी हेल्प के माध्यम से इतना बड़ा प्रोग्राम जो चल रहा है आज, ये प्रोग्राम आपका हो रहा है। हाँ, इसमें हम बात करेंगे भाईचारे की। जो भाईचारा यहाँ का मतलब बहुत अच्छा है। अगर हम अपने जवाहर नगर की बात करें, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ मंदिर है वजीरबाग पास में लगता है, तो ये बहुत अच्छे लोग हैं हमारे, एक दूसरे का अच्छा सहयोग करते हैं। जब भी अभी सवेरे से इतना लंगर चल रहा है, सब लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट है, तभी ये सब। नाजरीन खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। आल डिपार्टमेंट्स क्लर्कल स्टाफ एसोसिएशन तरफ आज श्रीनगर में एच जे जी मुजाहरे करना आमुत, यह दौरान एहजाज में शामिल क्लर्क इंसाफ फराहम करने की मांग करान। एहजाज में शामिल मुलाजमों तरफ वन आमुत जुदवे तो मुख्तलिफ महकमन में पन फरीज अंजाम दिवान ताहम तिंद मसल हजरा सवाल कह कदम तुलना आमुत, यम कि तम एहजाज कर पे मजबूर सपद। एहजाज में शामिल मुलाजमों तरफ मांग कर आमुत जि तिंद मसल हजरा सवाल गन कदम तुलने यन युद्ध तिमन बुथन वो मुश्किल दूर कर। जी हम ये मेरा नाम जिलानी नायक है,
मैं आल डिपार्टमेंट क्लर्कल स्टाफ एसोसिएशन का सदर हूँ। सबसे पहले मैं आपके वसादत से जो हाल ही में जो मेम्बरान असेंबली इंतखाबात में कामयाब हो चुके हैं उनको और आने वाली हुकूमत को अपनी कैडर की तरफ से और अपने एसोसिएशन की तरफ से दिल की उम्मीद गहराइयों से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उसके बाद आज क्या इजलास का ताल्लुक है, इस इजलास को इसलिए तलब किया गया था ताकि हम अपने जो इश्यूज़ है उनको ज़ेर गौर लाया जाए। और आज इस इजलास की वसादत से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो हमारे मामला हैं, जो हमारे इशूज़ है, बिलखसूस कैरियर प्रोग्रेशन, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, रेस्टोरेशन ऑफ। नाजरीन खबरनामस में तुम दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। मटन अनंत नागस मे नार वारदात दौरान करोड़ वाद रुपये नुकसान सपुद तज आज नव मुंतखब मेम्बर असम्बली पीरजादा मोहम्मद सईदन कस्बुक दौर कर्मुत यह दौरान तमो सूरत हाल साम हिस् जन तमो अत मौकस पे मुतासर लूकन यकीन दुत इमारत सिंह शहर पर कर हवाल इंतजामिया हिदायत दिन आम जन वंद रोचन दौरान इन लूकन मजीद मुश्किल वेतरिन पेन। शिकार हुई है इसका फायर सर्विस ने अच्छा काम किया है लेकिन यहाँ फायर सर्विस की भी बहुत कमी है और ये आम लोगों ने शिकायत की है। काफ़ी नुकसान हुआ है, यहाँ पंडित बरादरी के लोग भी ज़्यादा बसते हैं और वो मैंने उनको कहा है, डीसी साहब को डायरेक्शन दी कि आप इनको इमीडिएटली शिफ्ट कर लीजिए दूसरी बिल्डिंग में जो यहाँ मटन के करीब है बिल्डिंग, और वो बिल्कुल तैयार है। मैंने इनको कहा कि वहाँ इनको शिफ्ट कर लीजिए और दूसरी बात इसको इमीडिएटली रिनोवेट कर लीजिए ताकि और तकलीफ इनको नहीं पहुँचे और बिल्डिंग। यप जिल तरकियती कमिश्नर अनंत नागन तो एस एस पी अनंत नागन मटन कस्बुक दौर कर्मुत यह दौरान तिमन हमरा इंतजाम दोयम अफसर ते मौजूद है। दौरस दौरान ये तिमो नार सत सपदमित नुकसान जायजे हो तत जिल तरकियती कमिश्नर वोनमुत मुतासर लूकन फौरी इमदाद कर हवाल कदम तुलना आमुत युत जन तिमन बुथिन वोल मुश्किल दूर कर। कोई जख्मी कोई जान का कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ लेकिन जो यहाँ पे फैमिलीज रहते हैं सब आपको पता है वर्किंग फैमिलीज है, तो हमारी जो दो प्रायोरिटीज़ है एक तो इमीडिएट रिलीफ जो दे सकते हैं हम एज पर द नॉर्म, इसके साथ साथ इनको जल्द अज जल्द किसी अच्छी सेफ़ और सिक्योर जगह पर रिहेबिलिटेट करना जब तक हम तीसरी प्रायोरिटी जो हमारी रहेगी। लूको तरफ से शिकायत भवान वन आम यदव सतारन तोस मदान सड़क हिंद शहर पर करने हवाल कई अकाल ब्रो कम शुरू करना आई ताहम कम सुस्त रफ्तारी सान जारी यम किन मुकामी लूक आवलिन मन हन आए मुकामी लूको तरफ से इंतजामिया मांग कर आम काम मजबूत अन सवाल गन कदम तुल यु जन आम लूकन तहत वा। मेरा नाम शेख गुलाम अहमद डोली। 29 मई 2016 के दिन इसको तोस मदान को टूरिस्ट नक्श पे लाया गया उस वक्त की गवर्नमेंट ने, फिर तो हालत खराब हो गई तो ये यही बढ़ गया। आपने देखा आप हम रोड से आए, अभी रोड इनकम्प्लीट है मगर काम चल रहा है रोड पे। तकरीबन इस साल आरएनबी ने 13.5 करोड़ रुपया रोड की टेंडर निकली है तो काम चल रहा है मगर सुस्त रफ्तारी से काम चल रहा है। तो पहले तो समुदाय तक रोड ठीक होना चाहिए, टूरिस्ट आएंगे नेशनल लेवल के इंटरनेशनल लेवल के, तो जो ये तोस मैदान से इलाका मुंसलिक इलाका है रिंग जबल से लेकर आरी पाथन से खाग पनर जागर त्राल के लोगों तरफ से शिकायत भवान वन आम यदव मुकामी सड़क हिंद शहर पर हवाले कई आई फिर हुकाम मांग कर आई ताहम चुन आज तमाम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सटा मुश्किल वेतरिन पे मुकामी लूको तरफ से वन आम इंतजामिया मांग कर आम छान पे पनर तम ग वाजन वत हिंद शहर पर कर सवाल ग कदम तुल युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर कर। हयाना से जो ये रोड है जो हार्डली 2 या 3 किलोमीटर है यहाँ से, आप देखो किसी किस्म की कोई कंस्ट्रक्शन ये कोई वो रोड वाइंडिंग या मैगडम राइज वो नहीं हुआ है, ड्रेन की सिस्टम वो भी नहीं हुआ है, आप देखो पैदल आदमी नहीं चल सकता है, इतने इसमें खड्डे हैं। सर रोड है जहाँ मंदोरा से पानीर तक ये भी 1.5 किलोमीटर है, इसमें भी किसी किस्म की कोई रोड वाइंडिंग नहीं हुई है, मैगडम नहीं हुआ है।
टेबरनेकल सॉफ्टवेयर ड्रोन कंपनी तरफ आज नौगाम श्रीनगर में तकरीब साज कर आमुत यम कंपनी हंदो जिम्मेदारों मोहम्मद इलियास तो उमर इस्लामस अलावा तरबियत हासिल करने वाले नौजवानों शिरकत कर रात मौके पे नौजवान गोडन ग्रुप कंपनी तरफ नई दिल ड्रोन लाइसन हासिल करने बाप सोजन आव तमो नौजवानों तरफ कंपनी तो कंपनी हंदन जिम्मेदार शुक्रिया अदा करान वन आमुत अम सकन तम इन वलिस वक्त मज आन चोर आसानी सान जीन शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। जी सर, मेरा नाम वानी फुरकान तारिक है, मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से रहने वाला मैं त्राल का हूँ जी। आज हम बहुत एक्साइटेड है क्योंकि J&K का पहला जो बैच है वो जा रहा है दिल्ली सिविल एविएशन ज्वाइन करने। वहाँ हमारा एक एग्ज़ाम होगा, उसके बाद हमें ड्रोन पायलट लाइसेंस मिलेगी। और इस काम में मुझे हमारे मिस्टर इलियास सर और मिस्टर उमर सर जो टेबरनेकल सॉफ्टवेयर के CEO है, उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की वहाँ पहुँचने के लिए। और ITI त्राल से जो मिस्टर बिलाल सर है, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। जी सर, मेरा नाम वानी फुरकान। तो नाजरीन, अच्छी दूत कौशर खबरनामा, दीव इजाजत, खुदा सवाल।